हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा वो बेस्ड होगा रोड मैप फॉर .NET डेवलपर्स। ओके, तो रोड मैप, यदि आपको .NET डेवलपर्स बनना है या .NET सीखना है तो आपको किस किस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करना है, ये मैं पूरे वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि आपको .NET सीखना है तो सबसे पहले आपको .NET के लिए सबसे फेमस लैंग्वेज सीखना होगा, मीन्स सबसे पहले आपको C# की प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, C# लैंग्वेज .NET के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पहले आपको C# सीखना चाहिए। C# के पहले आप C++ भी सीख सकते हैं और डायरेक्टली भी आप C# सीख सकते हैं। ठीक है, C# एक ऐसी लैंग्वेज है जो जावा की इक्विवेलेंट है, तो आपको C# के अंदर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, लिटरल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये सभी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, साथ में आपको डेलीगेट्स कंसेप्ट क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है। अब इसके बाद बात आती है GUI प्रोग्रामिंग की, तो अब GUI प्रोग्रामिंग थोड़ा सा .NET के अंदर बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है, अब आपको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको GUI एप्लीकेशन सीखना है तो आप .NET के अंदर WPF में जा सकते हैं, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, क्योंकि जितने भी IT कंपनीज है वो GUI एप्लीकेशन के लिए अब वो WPF को प्रीफर करते हैं, अब वो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन को यूज नहीं करते। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आपने GUI एप्लीकेशंस बना लिया तो इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क जरूर करना चाहिए। अब बात आती है डेटाबेस इंटीग्रेशन की, यदि आपने डेटाबेस इंटीग्रेशन नहीं सीखा तो .NET के अंदर मतलब आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो आपका जो सेकेंड थर्ड स्टेज होगा वो डेटाबेस का रहेगा, मीन्स फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा C# लैंग्वेज का, सेकेंड स्टेप रहेगा आपका WPF का, थर्ड स्टेप रहेगा आपका डेटाबेस इंटीग्रेशन। डेटाबेस इंटीग्रेशन में भी बहुत अपडेट हुआ है .NET के अंदर। ठीक है, .NET के रोड मैप में यह है कि यदि आपको डेटाबेस सीखना है तो आपको ADO.NET नहीं सीखना होगा, आपको LINQ सीखना होगा। इसके लिए आपको LINQ के अंदर आप एंटिटी फ्रेमवर्क में जा सकते हैं और LINQ to EF का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको डेटा फर्स्ट, कोड फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट, इन सभी अप्रोच पे बहुत अच्छे से कमांड सीखना चाहिए। ठीक है, तो डेटाबेस के लिए आपको सबसे फेमस डेटाबेस यदि Microsoft.NET के अंदर जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड SQL सर्वर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर आपको लर्न करना चाहिए, उसके बाद ही आपको डेटाबेस इंटीग्रेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो डेटाबेस इंटीग्रेशन के लिए जो सबसे प्रीफर्ड टेक्नोलॉजी क्या है, ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, और इसको आप WPF के थ्रू भी इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, साथ में आप इसको कंसोल एप्लीकेशन के साथ भी इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो होगी वेब एप्लीकेशन की। ठीक है, क्योंकि आने वाला अभी जो आपका लेटेस्ट इंडस्ट्री चल रहा है वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, वेब पे बेस्ड है, और आजकल सबसे ज्यादा जो .NET के अंदर जो डिमांड है वो किसकी है, वेब एप्लीकेशंस की। .NET के अंदर यदि आपको वेब एप्लीकेशन सीखना है तो डायरेक्टली आपको वेब एप्लीकेशन नहीं सीखना है, पहले आप अलग से HTML, CSS, JavaScript और jQuery ये आप बहुत अच्छे से सीखिए। ठीक है, यदि आपका HTML, CSS, JavaScript, jQuery में अच्छे से कमांड हो जाता है, उसके बाद फिर आप .NET में जाइए, और .NET के अंदर आजकल .NET कोर चल रहा है। ठीक है, अब .NET के अंदर नॉर्मल .NET अब कोई भी कंपनी यूज नहीं करती, अब आपको .NET कोर में जाना है और .NET कोर के अंदर आपको एम्प्टी एप्लीकेशंस लेना है, और वहां पर आपको ASP.NET के कोर के थ्रू आपको एक छोटा सा वेब एप्लीकेशंस पहले बनाना है, जिसके अंदर सिर्फ स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस होगा, उसमें मास्टर पेज होगा या लेआउट पेज होगा और 5 पेज की आपकी वेब एप्लीकेशंस होगी। आपने जो भी HTML, CSS, JavaScript सीख रखा है आप उसको पूरा उसमें इंप्लीमेंट करिए। इसके बाद फिर .NET के अंदर आपको कंट्रोलर्स, ठीक है, मॉडल्स और व्यूज, ठीक है, मतलब MVC डिजाइन पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखना है। MVC डिजाइन पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो करते हुए आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, इसमें आपको Razor HTML को ज्यादा प्रेफरेंसेस देना चाहिए, क्योंकि आजकल Razor HTML चल रहा है। Razor HTML एक्चुअली क्या है, ये डायनेमिक HTML है, तो Razor HTML टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप वेब डेवलपमेंट करिए, वेब डेवलपमेंट लर्न करिए, और इसके बाद आपको ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क जो आपने पहले से सीख रखा है उसको आप ASP.NET कोर के अंदर भी इंप्लीमेंट करिए। ASP.NET कोर के अंदर यदि आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब इसमें जो ASP.NET एंटिटी फ्रेमवर्क होता है उसमें 3 अप्रोच होते हैं। ठीक है, पहला डेटा फर्स्ट अप्रोच होता है, दूसरा मॉडल फर्स्ट अप्रोच होता है, और तीसरा कोड फर्स्ट अप्रोच होता है। आपको सबसे ज्यादा जो प्रीफर करना है वो कोड फर्स्ट अप्रोच को प्रीफर करना है, और कोड फर्स्ट अप्रोच में आपको खास तौर से प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, मतलब कंस्ट्रेंट अप्लाई कैसे करते हैं, फॉरेन की कैसे बनाते हैं, ये भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेप हो गया वेब एप्लीकेशंस का। अब वेब एप्लीकेशंस के लिए आपको कुछ स्टेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको सीखना होगा कि व्यू स्टेट क्या होता है, टेम्प डेटा क्या होता है, व्यू वैक क्या होता है, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, HTML कंट्रोल एलिमेंट से इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, मॉडल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से अपन MVVM अप्रोच कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आता है नेक्स्ट वन, इज दैट
एपीआई डेवलपमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में डॉटनेट प्लेटफॉर्म में वेब एप्लीकेशन के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है। अब डॉटनेट के अंदर यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मोबाइल एपीआई क्रिएट करना, मीन्स यदि वेब एपीआई क्रिएट करना है, तो डॉटनेट आपको वेब एपीआई देता है। तो वेब एपीआई भी आपके डॉटनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब एपीआई में आप एपीआई डेवलपमेंट कर सकते हैं, एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं। और एपीआई डेवलपमेंट भी यदि आपको करना है तो आप उसके लिए डॉटनेट कोर का यूज करिए, क्योंकि आजकल मार्केट में इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है वो डॉटनेट कोर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको इसका पूरा समराइजेशन बता देता हूं एक बार कि आपको किस तरीके से लर्निंग स्टार्ट करना है। पहले आपको सी शार्प सीखना है, सी शार्प सीखने के बाद आपको WPF सीखना है, इसके बाद आपको डेटाबेस सीखना है, इसके बाद आपको लिंक्ड टू एंटिटी फ्रेमवर्क सीखना है, इसके बाद आपको ASP.NET कोर में जाना है, इसके बाद आपको ASP.NET कोर के अंदर लिंक्यू का इंटीग्रेशन करना है, इसके बाद आपको वेब एपीआई में जाना है, और वेब एपीआई को आपको टेस्ट करने के जो टूल्स हैं वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हुई डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एनवायरमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट का विंडो अजूर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इस क्लाउड प्लेटफॉर्म को आपको सीखना चाहिए और अपने एप्लीकेशन को क्लाउड प्लेटफॉर्म में कैसे लॉन्च करते हैं इसको भी आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपको डेटाबेस बेस्ड क्वेरीज का नॉलेज भी होना चाहिए। ज्वाइन ऑपरेशंस कैसे इंप्लीमेंट होता है, डेटा इंटीग्रेशन कैसे होता है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, लाइक ऑपरेटर, नॉट लाइक ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, नॉट बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, मतलब जो बेसिक आपका एसक्यूएल फंडामेंटल है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब लर्निंग के बाद अब आपको जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो आपका है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आप यदि किसी भी आईटी कंपनी में जाते हैं और यदि आपने डॉटनेट सीख रखा है और यदि आपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं सीखा तो डॉटनेट सीखने का कोई सेंस नहीं है। तो रोड मैप का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोजेक्ट आप कैसे बनाए, अब आपके दिमाग में आता होगा हम किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए, तो प्रोजेक्ट आप बिल्कुल छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करिए। पहले आप कंसोल एप्लीकेशन में कुछ मार्कशीट का प्रोग्राम, कुछ कैलकुलेटर्स का प्रोग्राम, कुछ होरोस्कोप का सॉफ्टवेयर, कुछ गेम आप बना सकते हैं। उसके बाद आप WPF के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे आपको कोई भी आपको मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस बनाना है, कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर्स बनाना है, इस टाइप के छोटे प्रोजेक्ट आप WPF के अंदर बना सकते हैं डेटाबेस इंटीग्रेशन करके। इसके बाद आपको .NET कोर में मल्टी यूजर सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें मल्टीपल यूजर्स लॉग इन कर सके, मल्टीपल यूजर्स का सेशन मैनेज हो सके। ठीक है, जैसे आप फीडबैक सिस्टम प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूजर्स होंगे जो फीडबैक देंगे और एडमिन को वो फीडबैक आपको शो होगा। तो इस तरीके का कोई वेब एप्लीकेशंस बनाना है जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हो और मॉड्यूल्स के बीच में इंटीग्रेशन हो, जिसमें मल्टीपल टेबल्स हो, जिसमें प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हो, जिसमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हो। तो यदि आप इस तरीके के प्रोजेक्ट यदि आप इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से। साथ में आपको प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंपनी हरदम यही पूछती है कि आपके प्रोजेक्ट का डिजाइन पैटर्न क्या है, तो आप यदि .NET इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या .NET सीखना चाहते हैं तो .NET के रोड मैप में यह भी है कि आपको प्रोजेक्ट का डिजाइन पैटर्न भी पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में MVC डिजाइन पैटर्न क्या होता है, MVVM डिजाइन पैटर्न क्या होता है, MVVM और MVC में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में कितने डेटाबेसिस में कौन कौन से टेबल्स हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आपने कोड फर्स्ट अप्रोच यूज किया तो कोड फर्स्ट अप्रोच में आपने स्कीमा किस तरीके से डिजाइन किया, माइग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, आपको ये सब इंटरनल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको प्रोजेक्ट के अंदर का कोई डॉक्यूमेंटेशन भी पता होना चाहिए, SRS क्या होता है, ER डायग्राम क्या होता है, DFD क्या होता है, क्लास डायग्राम क्या होता है, मतलब ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा रोड मैप है कि आपको प्रोजेक्ट भी सीखना है, आपको सिर्फ .NET के अंदर का थ्योरेटिकल एक्सपोजर नहीं गेट करना है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर में भी ध्यान देना है। तो यदि आपने ये पूरी चीजें जो मैंने आपको पूरा का पूरा रोड मैप में बताया, यदि आप ये सभी चीजें .NET के अंदर सीख लेते हैं तो आप कोई से भी कंपनी में एज अ .NET डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं और आप .NET में डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। तो आप मेरा रोड मैप फॉलो करिए, ये रोड मैप आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Thanks to watching.